कि आप सभी के हमारे चैनल पे, मैं हूँ खालिद आपका दोस्त, और आज के वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 20। ये 3D का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस ड्रॉइंग को, 3D ड्रॉइंग को बनाते कैसे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट करके चेक कर ले, फर्स्ट सेकेंड फोर अगेन थ्री, क्लियर। ओके, मैं अभी इसे इरेज कर लेता हूं। अगेन मुझे ये सर्कल बनाना है जिसका रेडियस और डायमीटर नहीं दिया है, तो हमें सी फॉर सर्कल प्रेस करना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेकर आ जाएंगे। टी आर डबल एंटर, हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। एक्स फॉर एक्सप्लोर, इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, यहां पे देखिए आप, ये डिस्टेंस जो है 0.50 दे रखा है इसने। ओ फॉर ऑफसेट 0.50 ले लिया हमने। क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ। ओके, क्लियर। मैं थोड़ा ऑर्बिट कमांड के माध्यम से यूज करते हुए मैं इसे SW आइसोमेट्रिक व्यू में कर लेता हूं। प्रेस पुल करना है हमें 0.75, इसका डिस्टेंस है। तो हमें होम में आना है, प्रेस पुल कमांड के माध्यम से इसे नीचे की तरफ 0.75 एंटर। अगेन इसे करना है हमें 0.50 एंटर। राइट क्लिक कर लिया हमने, एंटर कर लिया, कमांड से बाहर आ गए। अभी दो ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यूनियन कमांड का यूज करेंगे हम, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट देन दिस ऑब्जेक्ट और एंटर। एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इस पार्ट को बनाना है। इसके लिए हम UCS का यूज करेंगे। UCS देखिए यहां पे मिलेगा हमें ओरिजिन, इसे उठाना है हमें यहां से और इस सेंटर पे क्लिक कर लेना है। अभी मुझे यहां से उठा लिया हमने और इसे इस पॉइंट पे क्लिक कर लिया, स्केप। ये हमने बना लिया है। अभी यहां पे ओरिजिन दिखा रहा है 30 की एंगल, सरफेस लेवल से 30 एंगल है इसका, तो मुझे इसे वाई एक्सिस को घुमाना है, जिसके लिए हमें एक्स रोटेशन का यूज करना होगा। अगर हम यहां तक आ रहे हैं तो 270 एंगल दिखा रहा है। इस एंगल में मुझे ये 30 एंगल और भी ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 270 प्लस 30 इज इक्वल टू 300। प्रेस किया मैंने एंटर। ओके, अगेन मुझे इसे बनाना है, तो मुझे रेक्टेंगल लेना है 2.50/3 REC रेक्टेंगल 2.50 टैब 3 एंटर। ओके, एक बार चेक कर लेंगे हम कि हमने जो बनाया वो प्रॉपर है या नहीं। सेलेक्ट किया हमने इसे, एनोटेशन टैब में आ जाएंगे, मेजरमेंट पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लेंगे आप एक बार 3, यानी कि मुझे इसे रोटेट करना होगा। सेलेक्ट किया मैंने इसे, रोटेट कमांड,
और मैं इसे इफेक्ट ऑर्थो ऑन करने के बाद इसे यूं कर ले रहा हूं। अभी मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसके ऊपर मुझे बनाना है रेडियस 1.50, डायमीटर 1.50। थोड़ा सा मैं इसे यहां पे ले लेता हूं। C4 सर्कल बिल्कुल सेंटर पॉइंट से 1.50 एंटर। अगेन C4 सर्कल, D4 डायमेंशन स्ट्राइक 1.50 एंटर। ट्रिम कर लेंगे हम TR डबल एंटर। दिस पॉइंट, दिस सर्कल, दिस लाइन एंड दिस लाइन। ओके, अभी मुझे दोनों को ज्वाइन कर लेना है। J4 ज्वाइन ज्वाइन हो गया है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। M4 मूव, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे लाकर रख लेना है, बिल्कुल सेंटर पे रख लिया हमने। अभी मुझे इतना होने के बाद इसके कोऑर्डिनेट टॉप कर लेना है या फिर वर्ल्ड। यहां पे आ गए हम और वर्ल्ड कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट किया हमने, एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। एक्सट्रूड यू ले लिया हमने। व्यूज को चेंज करते हैं हम, वायर फ्रेम को रियलिस्टिक कर लेते हैं। हम कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। मुझे ये नीचे के पार्ट नहीं चाहिए, ऊपर का ही पार्ट चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे प्लेन सरफेस, PLANP, प्लेन सरफेस, एंटर। और मैंने यहां से एक प्लेन ले लिया। हमें चले जाना है सॉलिड मॉडलिंग में। यहां पे मिलेगा हमें स्लाइस कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो हमें यूज करना है सरफेस, और सरफेस को सिलेक्ट करेंगे हम। जिस पार्ट को मुझे रखना है उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि हमारे नीचे के पार्ट डिलीट हो चुके हैं, यानी कट हो चुका है। अभी सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए आप और इरेज कर लीजिए। ओके, अभी मुझे ये होल बनाना है। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले यूनियन कमांड। इस ऑब्जेक्ट को, अगेन इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर। ये हमारा यूनियन हो गया पार्ट। अगेन हम यूज करने वाले एक्सट्रूड कमांड। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे हम, एंटर, और नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। यूज करना है हमें सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 3D, एंटर, एंड दिस वन जिसे कट करना है हमें, प्रेस कर लेना एंटर। हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो गई है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और E4 इरेज। इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए आप और इसे मूव कर लीजिए। कमांड का यूज करेंगे WPS, ओप्स, एंटर, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इरेज कर लेता हूं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी दूसरे वीडियोस में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट में आप मुझे बताओ, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, कॉल करके बताऊंगा, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।